दोस्तों आपका एक नज़र कृषि चैनल में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको पानी का चश्मा दिखाते हैं। जो हमारा पानी जो है जाता है यहाँ से, इसको कहते हैं मलौन हमारे। तो जहाँ पे चश्मा है यहाँ से जाता है कम से कम 700 मीटर आगे जाता है ये पानी, पाइप द्वारा जाता है। और ये देखिए, इस टाइम बड़े बड़े पेड़, इस ढंग के पेड़ है यहाँ पे, ये देखिए बहुत अच्छे पेड़ है। तो बहुत अच्छा चश्मा है हमारा यहाँ पे। और इधर से ऊपर से आ गया रास्ता, ये पार सामने रास्ता आया ऊपर से नीचे। और यहाँ से पहले ये बंदा होता था हमारा, ये देखिए ऊपर ये ढांक तो दिखाई दे रहा है, ये गिर चुका है, ये काला ढांक है, ये दिखाई दे रहा है। ये रास्ता होता था, यहाँ से बंदा होता था, तो ये गिर चुका है अब। इसलिए जो है ये पाइप लगे ऊपर, सामने दिखाई दे रहे हैं आपको, ये पाइप है, ये देखिए ये पाइप है। तो यहाँ से हमारा चश्मा जो है मतलब काफ़ी अच्छा है पानी का। ये जो ऊपर से पानी आ गया, ये देखिए इधर भी पानी मिला है। और इतनी अच्छी बारिश हुई है, जो बारिश से मतलब काफ़ी पानी मिल चुका है, जो इतना हो चुका था भाई, इतना मतलब कि आगे पानी की बहुत समस्या खड़ी हो जानी थी अगर पानी चश्मे में ना मिलता। तो चलिए दोस्तों, अब दिखाते हैं हम आपको चश्मा कि हमारा कितना पानी इस वक्त मिला है। एक घाट से का पानी मिला है, जैसे जिसको घाट भी कहते हैं वो पानी मिला है। तो आप देखिए चश्मा, ये देखिए ये नीचे को जा रहा है ये पानी। और यहाँ से भी ये जो पाइप लगे हैं ये इधर साइड में भी। तो और आप इधर को देखिए, ऊपर को जहाँ से हमारा घर तक चश्मा जाता है, पानी जाता है, ये देखिए थोड़ा अंधेरा हो चुका है। अंधेरा तो नहीं है लेकिन पेड़ इतने हैं, ये देखिए पेड़ इतने बड़े पेड़ है कि हद से ज़्यादा जिसमें अंधेरा छाया है, ये देखिए। तो ये हमारा चश्मा जो है मतलब चश्मे का पानी मिला है, जैसे छो भी कहते हैं हमारे पहाड़ी भाषा में। तो ये छो है, ये ऊपर से पानी आ रहा है इस वक्त। एक घाट का पानी है, ये देखने को थोड़ा कम लग रहा है लेकिन बहुत भारी है। ये देखिए ऊपर तक दिखाते हैं आपको, और आगे और दिखाते हैं आपको ऊपर जहाँ से हमारा चश्मा पर पाइप लगे हैं। ये देखिए आगे तक। और ये जो लास्ट में दिखाई दे रहा है, ये ऊपर ये पानी गिर रहा है, यहाँ से हमारा चश्मा है आगे पानी का। और ये देखिए बड़े बड़े पेड़, और ये ऊपर पाइप लटक रहा है, ये भी सामने नज़र आ रहा है। तो यहाँ से हमारा पानी जो है पीने के लिए जाता है, और ये पानी पीने का पानी है, ये ऐसा पानी नहीं है, शुद्ध पानी है। तो ये पानी जो है मतलब बहुत अच्छा पानी है और स्वादिष्ट पानी है और ताज़ा पानी है, चश्मे से आया है पानी। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको थोड़ा सा रास्ता दिखा देते हैं, जहाँ से हम बंदे से नीचे उतरे थे वो दिखा देते हैं हम आपको कि कहाँ से मतलब ये रास्ता हमारा नीचे को उतरता है। ये देखिए ये रास्ता आया ऊपर से, यहाँ से मुड़ के, और ये है हमारा पानी। अब थोड़ा सा मैं रास्ता दिखा देता हूँ आपको कि हमारा रास्ता कितना कठिन रास्ता है। आगे ढांक भी है और ऐसे ऐसे ढांकों से जो है इसमें निकलना पड़ता है। रास्ता तो है नहीं लेकिन पगडंडी सी है, ये भी हमने बनाई है। और एक हमें आपको अवश्य बताता हूँ कि पुल लगाया था हमारे जो ग्रैंड फादर होते थे दादाजी, आज भी पत्थर ऐसे ही पड़े हैं। ये देखिए डंगा का पुल होता था, ये दोरा पुल है, इसके नीचे से पानी निकलने के लिए यहाँ से निकासा था, और ये ऊपर तक जो है ये पुल था। तो हमारे दादाजी ने ये अकेले लगाया था, उस टाइम चांदी के रुपये होते थे जिस टाइम ये बंदा बना हुआ है।
तो उस टाइम 3500 रुपया जो है हमारे दादाजी का इस बंदे पर लगा और ये डंगा लगा और बंदा जो आगे तक बना है। तो 3500 में जो है ये पानी पहुंचा है। और बेलदार कितने होते थे? एक मिस्त्री और एक बेलदार, सिर्फ दो होते थे जो उस टाइम इसमें काम करते थे। और आज देखिए तो आज ये पाइप बिछाए हैं, दो दो पाइप, ये देखिए दो दो तीन तीन पाइप बिछे हैं। और ये है वो रास्ता आगे का, और इधर को जो है ये बंदा उधर। अब हम आपको पानी तो नहीं दिखा सकते, वैसे थोड़ा सा दिखाएंगे, ये है नीचे पानी। तो थैंक यू दोस्तों, अभी अंधेरा तो हुआ नहीं, ये तो इसमें पेड़ थे जो हमने पेड़ों के बीच में था, जो अंधेरा भी बहुत हो रहा था। तो थैंक यू दोस्तों, बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए इस चैनल को, सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और आगे शेयर भी करें ताकि आप तक हमारी वीडियो पहुंचे। तो ये था हमारे दादाजी का बनाया हुआ बंदा, जिसको बांध भी कहते हैं और ऐसा ड्रेन भी कहते हैं, लेकिन आज ये कंडम हो चुका है, तीसरी चौथी पीढ़ी चल चुकी है। अब इसकी कोई भी देखभाल नहीं करता, सिर्फ पाइप लगे हैं और पाइप द्वारा ही जो है पानी इसमें जाता है। तब एक मैं आपको ढंग भी दिखाता हूँ, जिस ढंग से उन बुजुर्गों ने इस बंदे को निकाला है और डंगे भी लगाए थे, जो पीडब्ल्यू वालों ने सड़क निकाली ऊपर से और हमारा बंदा सारा गैर कर दिया। और उन्होंने पहले ये माना था कि हम बंदा आपको बना के देंगे वैसे ही और बढ़िया पक्का बनाएंगे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल नहीं बनाया। ये देखिए ऐसे ऐसे पत्थर जो है इसमें ऊपर से सड़क से आए हैं, और ये देखिए यहाँ से कितना नीचे खाई है और खड़ा ढांक है ये पर है। मैं इसको आपको बताना चाहता था कि इस ढांक से उन बुज़ुर्गों ने डंगे थे लगाए हुए पहले, लेकिन आज वो डंगे भी ख़त्म हो चुके हैं और आज ये डंगे थोड़े थोड़े रहे हैं अभी। और ये देखिए ऊपर को ढांक, ये देखिए हमारा ड्रेन जो है ये ख़त्म हो चुकी है और नीचे डंगे भी जो है ख़त्म हो चुके हैं। और पीडब्ल्यू वालों ने हमारे इसमें कोई शनाख्त नहीं की, और पीडब्ल्यू विभाग ने इस डंगे को माना था कि हम इसमें डंगा लगाएंगे और आपका बंदा जो है पक्का कर देंगे। और चलो पक्का तो छोड़ो, अगर थोड़ा सा यहाँ से मैं आपको एक बार और दिखाता हूँ टर्न में, ये ढांक, इस ढांक में रास्ता है और इस ढांक में जो है ये डंगा होता था पहले लगाया हुआ कच्चा, वो पीडब्ल्यू वालों ने सारा ख़त्म किया है ये। तो ये जो है रोड निकलने से हुआ, और रोड सामने दिखाई दे रहा है ये ऊपर इसके बीच में। तो अब जो है ये मतलब हम कुछ नहीं कर सकते, अब क्या करें, सरकार ने भी ठग दिया पीडब्ल्यू वालों ने, इन्होंने ऐसे ऐसे डंगे होते थे, ये देखिए डंगे लगे हुए हैं, ये देखिए डंगे लगे हुए हैं, उस टाइम बुज़ुर्गों के लगे हुए डंगे हैं। तो थैंक यू दोस्तों, बन रही आप हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए चैनल को, क्योंकि ये रास्ता तो बहुत 700 मीटर का बंदा है। ये देखिए ढांक कैसे कट रखे है ये, थोड़ा के टाइम पहुंचने में बहुत ही लगेगा और वीडियो थोड़ी लंबी बन जाएगी हमारी, इसलिए आप इस देखते रहिए इस वीडियो को। और ये होता था बंदा हमारा, ये ड्रेन, ये सारा जो है पत्थर जितने भी आए हैं ये पीडब्ल्यू वालों के सड़क से आए हैं। थैंक यू दोस्तों, बन रही है हमारे इस चैनल के साथ, धन्यवाद।